मौज एमएक्स टकाटक और रोपोसो ये सभी एपिसोड वीडियो बनाने के लिए अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ऐप हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा ऐप हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि सभी को आदत सा हो चुका है टिकटॉक चलाते हुए और सभी को शॉर्ट वीडियो बनाना है और सभी को अपना टैलेंट भी दिखाना है। तो कौन सा प्लेटफॉर्म में वो अपना टाइम वेस्ट करे, टाइम वेस्ट नहीं कहूँगा, कौन सा ऐप में वो अपना वीडियो बनाए, अपना टैलेंट को प्रेजेंट करे जिसे लोग देखेंगे और पसंद आएगा उन्हें तो वो लाइक भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐप किस काम में आता है और किस ऐप में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम हर अच्छे अच्छे ऐप के बारे में फुल डिटेल्स में बताते हैं। सारे ऐप की आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाया करेगी और हर जरूरी जानकारी से आप अवगत रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर ले, होम सपोर्ट 247। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा जो मौज ऐप है उसके बारे में, क्योंकि मौज ऐप अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सभी ऐप के बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मौज ऐप के बारे में। तो मौज ऐप की मैं खासियत अगर बताऊँ यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जो मौज ऐप है ये अभी बहुत ही ज़्यादा हमारा शॉर्ट वीडियो ऐप बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको जो मौज ऐप है इसे शेयरचैट द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, और ये भी मेड इन इंडिया ही है, यानी कि इंडिया का ही प्रोडक्ट है। तो इस ऐप की मदद से आप अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचा सकेंगे, साथ ही साथ वीडियो को भी एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकेंगे। और इस ऐप में भी आपको बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स, स्टिकर्स, मैजिकल इफेक्ट्स मिलेंगे जिसे आप यूज़ करेंगे तो आपको बेहद ही पसंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इस ऐप में यानी कि मौज ऐप में यहाँ पर 15 लैंग्वेज अवेलेबल है, जो कि है हिंदी, तेलुगू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, बंगाली, तमिल, कन्नाड़ा, ओड़िया, भोजपुरी, आसामी, राजस्थानी, हरियाणी एंड उर्दू, इन सभी भाषाओं में आप यूज़ कर सकते हैं मौज ऐप को। जी हाँ, ये सभी भाषाओं में आप बेहद इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे मौज ऐप को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो मौज ऐप है यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग न्यूज़, इंटरटेनमेंट न्यूज़, फनी वीडियोज़, वीडियो सॉन्ग, लव क्लब को एक शायरी, इन सभी टाइप की आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं अगर बात कर लूँ इसकी डाउनलोड्स की, तो यहाँ पर आपको 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हो चुका है। साथ ही साथ अभी अगर आप जाकर प्ले स्टोर में देखेंगे तो इसका जो रेटिंग है वो 4.2 हो चुका है। दोस्तों पर्सनली यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे ये ऐप इस्तेमाल करके अच्छा लगा, पर यहाँ पर मुझे एक कमी मिली कि यहाँ पर इतने सारे लैंग्वेज तो दी गई है, पर आप जब यहाँ पर लैंग्वेज सेट करते हैं तो लैंग्वेज कुछ और ही सेट हो जाता है। जैसे कि आपने अगर इंग्लिश को सेट किया तो यहाँ पर हिंदी ऑटोमेटिक हो जाती है, आपने किसी और लैंग्वेज को किया तो किसी और लैंग्वेज हो जाती है। तो यहाँ पर ये कमी आ गई है, आशा है कि इसे अपडेट करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाए। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ बाकी सारे ऐप जैसे कि जो एमएक्स टकाटक है और ये जो रोपोसो है, इन दोनों ऐप का मैंने फुल डिटेल्स बनाकर रखा हुआ है। ये जो रोपोसो एमएक्स टकाटक है इनके बारे में फुल डिटेल्स मैंने यहाँ पर बता रखा है कि कौन सा ऐप आपके लिए बेस्ट होगा और इनकी सारी फीचर्स फंक्शंस को फुल कॉम्पेरिजन के साथ मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपको मिल जाएगा ये वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं दे दूँगा यहाँ पर लिंक और आप चेक कर सकते हैं एमएक्स टकाटक एंड रोपोसो। और देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है बिल्कुल दूर हो जाएगा कि किस ऐप में आपको अपना टैलेंट को दिखाना चाहिए और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीके हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और आपको हर जरूरी जानकारी और हर ऐप की फुल डिटेल्स देने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट क्या करें, और मिलते हैं दोस्तों कोई एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।